प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत SH-12 सड़क से नया कजलोदिया तक निर्माण में 500 मीटर सड़क छोड़ देने के विरोध में सोमवार को भिलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर नेहरू युवा संस्थान के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सड़क निर्माण में गबन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संस्थान के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत SH-12 से नया कजलोदिया तक सड़क निर्माण प्रस्तावित था, लेकिन सड़क केवल मेजा फीडर तक ही बनाई गई। इसके आगे 500 मीटर सड़क केवल कागजों में बनाकर उसका पैसा उठा लिया गया। इसके विरोध में हमने कई बार बनेड़ा SDM के समक्ष धरना प्रदर्शन भी किया और RTI भी लगाई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द सड़क निर्माण करवाने की मांग की है। गुर्जर ने यह भी कहा कि यदि 5 दिवस में कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो सड़क से जुड़े 5 गांवों में ग्रामीण सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। मैं SH-12 से लेकर नया कजलोदिया तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक सड़क प्रस्तावित था जो मार्च फरवरी 2014 में बना था, लेकिन उसमें मौके पर जो मेन हाईवे है स्टेट हाईवे 12 पर जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि नया कजलोदिया से SH-12 तक रोड, लेकिन SH-12 से जो मौके पर बोर्ड लगा हुआ है वहाँ से तो रोड बना ही नहीं है, रोड बना है नहर से। तो जो 500 मीटर रोड नहीं बना है उसकी मांग को लेकर हमने 27 जुलाई को पिछले महीने बनेड़ा SDM साहब को और PWD विभाग में ज्ञापन दिया था, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमने 28 तारीख को एक RTI लगाई थी अपने PWD विभाग में, भिलवाड़ा में RTI लगाई थी, इसकी भी कोई सूचना देने से मना कर दिया कि ये हमारे कार्यालय से संबंधित नहीं है। आज इसी मांग को लेकर हमने भिलवाड़ा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में ये हमारी समस्या बताई